पहले अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है सम्मान्य साथियों। साथियों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर एक आदमी एक काम को दो दिन में करता है, अगर एक आदमी एक काम को दो दिन में करता है तो दो आदमी उस एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? वेरी नाइस, ताली बजाओ। एक दिन में। तो साथियों हमने सोचा, माननीय बहन जी ने अपने दम पे अभी भी 22% वोट प्राप्त कर रखा है। कितना परसेंट? और भाजपा के पास है 40%। भाजपा के पास है 40% और बीएसपी के पास है 22%। यानी कि माननीय बहन जी ने अपने दम पे अभी तक 22% वोट प्राप्त करे हुए हैं। तो वो किसके दम पे किए हुए हैं? उनके साथ ब्राह्मण समाज की टीम है, क्षत्रिय समाज की टीम है, वैश्य समाज की टीम है, ओबीसी समाज की टीम है, एससी समाज की टीम है, मनेटी समाज की टीम है। तो हमने सोचा हमारी बहना अकेली पड़ रही है, तो हमने अपने घर को छोड़ करके, अपने घर का त्याग करके, हमने उसी प्रकार से जैसे बहन जी काम कर रही है, उसी प्रकार से एक नई टीम बीएसपी के लिए काम करने के लिए तैयार की है, जिसमें हमने ब्राह्मण समाज से हमारे भूडी पांडे हमारे साथ हैं सम्मानित साथियों। क्षत्रिय समाज से, क्षत्रिय समाज से डॉक्टर हमारे साथ हैं, क्षत्रिय समाज से आप हमारे प्रोफेसर झंडा दे दे, झंडा 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 ले लो, कोई रोमिंग इनकमिंग नहीं लगती इस समय। तो आप क्षत्रिय समाज से हैं, उधर हमारे साथ में ब्राह्मण समाज से और हमारे नितिन दीक्षित जी हैं, वैश्य समाज से हमारे जायसवाल साहब है, गुर्जर समाज से हमारे मुकेश पवार गुर्जर जी है, यादव समाज से भगवान सिंह यादव जी है, मुस्लिम समाज से सभी समाज के। तो सम्मानित साथियों मेरे कहने का मतलब ये है, हमारी टीम का कहने का मतलब ये है, माननीय बहन जी अपने दम पे 22% को प्राप्त करे हुए हैं, तो हम उसको डबल करके माननीय बहन जी के खाते में 44% को मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हमने कसम खाई है जब तक माननीय बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, हम अपने घर पे बैठ के जाने वाले नहीं है। हमारी साथी हमने अपनी मिट्टी करके आए साथी, हमारे भाई साहब ने, नितेश पवार भाई ने पीछे तीन गुर्जर समाज के बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाएं, वे मुस्लिम भाई है, पांडे जी ने ब्राह्मण समाज में कराई है, वैसे समाज में क्षत्रिय। अभी साथियों आपके साथ देख सकते हो मेडिकल कॉलेज मेरठ किसी भाजपा के नेता की भी हिम्मत नहीं है जो उसमें जाके झंडा फहरा सके, लेकिन आपको सहयोग समाज का झंडा कॉलेज में फहरा करके आए हैं सम्मानित साथियों। जैसे निवेदन है, आओ मिलकर के काम करो और सभी जाति में मिलकर के सम्मान। अपनी बहन जी ने सती चंद्र मिश्रा जी को आया है और काशीराम आपकी पश्चिम से चल रही है, वहां से वो पश्चिम में आएंगे, हम पूर्व में जाएंगे, के भाईचारा बना करके बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का। हम भाजपा की क्या कमी, दोस्तों अभी अभी माननीय जयप्रकाश सिंह जी का संबोधन चल रहा था, तकनीकी खराबी के कारण अभी रुक गया है, बहुत जल्दी पुनः आरंभ होने वाला है। मेरी की तरफ है निवेदन, माननीय जयप्रकाश सिंह जी के साथ सभी जाति धर्मों के लोग हैं, इस समय
चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे वैश्य समाज की बात हो, चाहे ओबीसी समाज की बात हो, गुजर समाज की बात हो, यादव समाज की बात हो, सभी समाज के लोग इस समय मंच पर माननीय जयप्रकाश सिंह जी के साथ खड़े हैं। साथ ही हम लोग माहौल बना रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हम लोग इस यात्रा का जो भारत खड़ा हुआ है उसको 403 विधानसभा में घुमाएंगे। और जो नई नई पार्टियां बन करके समाज में फूट डालने का प्रयास कर रही है, जो नई नई पार्टियां बन के कांग्रेस से पैसा लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का फायदा लेकर के जो लोग नई नई पार्टियां बना करके इस मूवमेंट को करना चाहते हैं, उनके जब का चलन देता है सम्मानित साथियों आप लोगों के बीच में, जब का चलन देता है वो तोड़ने का प्रयास करे, हर मूवमेंट को तोड़ने का प्रयास करेंगे सम्मानित साथियों। किसी चक्कर में नहीं पड़ना। अरे मेरे दोस्तों, आर्मी तो जब होती है जिसके पास में असला होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जाट समाज के लोग चौराहे पे पूरी दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े नहीं पड़े, पड़े पड़े नहीं पड़े, किसान आंदोलन में पड़े। एक बात मानी नहीं मानी, जाटों ने आरक्षण की मांग करी हरियाणा में, उन्होंने एक बात मानी, 350 जाट मारे गए, 350 जाट एक खेत पर गुर्जर मारे गए राजस्थान के अंदर, नहीं मानी गई। हम उससे मजबूत नहीं है, अगर हम तो जी सकते हैं तो बाबा साहब की कलम से जी सकते हैं, उसके किसी से नहीं जी सकते हैं सम्मानित साथियों। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आओ मिलकर के इस मूवमेंट को बचाओ। हम तो सब समाज का मूवमेंट तैयार करने जा रहे हैं, हम सब समाज को जोड़ने जा रहे हैं। मैं तारे के साथ कहता हूँ, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। अरे मोदी की कुर्सी तो नहीं हिला दिया तो मेरा नाम जयप्रकाश नहीं है सम्मानित साथियों। आप जानते नहीं हो, मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ इतना जमीन के नीचे हूँ। मैं साहब कांसी राम जी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए जन्म लिया था और उनके शिष्य ने उसके खून ने जयप्रकाश ने भाजपा को खत्म करने का प्रण लिया है सम्मानित साथियों। उसको मारना है मार देना, अगर भाजपा को बचाना चाहते हो भाजपा के लोगों तो जयप्रकाश को मार कर तो बचा सकते हो, अगर जब का चिल्ला रहा तो भाजपा को बचा नहीं सकते आप लोग सम्मानित साथियों। सभी जाति जनजाति के लोगों में भाईचारा बनाएंगे और मेरे सम्मानित साथियों मेरा आप लोगों से निवेदन है, आओ मिलके बीएसपी रूपी महल को बचा लो। अरे रिपेयर कर लो, कोई कमी है कोई दिक्कत है तो अपने महल को रिपेयर कर लो, रिप्लेस मत करो मेरे सम्मानित साथियों। महल बनाया है महापुरुषों ने, कैसे कदम उठाने देंगे, कौन भूल जाएगा बहन जी के त्याग को। अरे जिनकी जो लोग अपनी बहन को अपनी बुआ को अपनी अपनी बेटी को 3 किलोमीटर कॉलेज में पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, उस समय तुम्हारे समाज की बेटी बहन तुम्हारी मायावती जी सड़कों में साइकिल में घूमती थी सम्मानित साथियों। हमें कल करना चाहिए उस बात पे, उस देश में मेरे सम्मानित साथियों मेरा आप से निवेदन है, आओ इस मूवमेंट को बचाओ। जो लोग दूसरों से प्रायोजित होकर के, मैं बताना चाहता हूँ एक बात, आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो जो मैंने कहा उस भाई ने हमेशा कॉपी करी, जो मैंने कहा उसने हमेशा कॉपी करी, जो हमारी टीम ने किया। हमने कैडर कैंप चलाए तो भाई बोला हम भी कैडर कैंप चलाएंगे, नहीं मैंने कहा नुक्कड़ सभा करेंगे वो भी बोला हम भी नुक्कड़ सभा करेंगे। हमने कहा काशीराम विचार यात्रा निकालेंगे, उन्होंने कहा महिला सम्मान यात्रा निकालेंगे। निकली कोई कुछ निकला नहीं, कुछ निकला फिर क्या निकला, साइकिल यात्रा। अरे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने
हमारे बुजुर्गों ने जहां से काम शुरू किया है, जहां से काम शुरू किया है, हमें अपना काम वहां से शुरू करना चाहिए या वहां से शुरू करना चाहिए जहां से हमारे बुजुर्गों ने काम छोड़ा है? जहां से छोड़ा है, जहां से छोड़ा है। साहब कांजीराम ने अपना संघर्ष बस के ऊपर खड़ा होकर के रथ के ऊपर छोड़ा था, तो हमने 6 लाख का नहीं, साहब का रथ 6 लाख का था। वो आदमी अपने आप को स्वाभिमान से बोलता है जिसके बेटे उससे ऊपर जाते हैं। अगर साहब का रथ, मुझे बताया था साहब का रथ 6 लाख का था, तो साहब के बच्चों ने 60 लाख का रथ बनाया है। सम्मानित साथियों, कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। हमें जानकारी मिली थी कि बहन जी साहब के समय 2-2 रोटी घर से मांग करके लाती थी, बहुत से लोग भूखे सो जाते थे। लेकिन सम्मानित साथियों, हम लोगों ने रसोई अपने साथ रखी है। गांव के साथियों को बताना चाहते हैं, रसोई हमारे साथ है। 100-200 लोगों का खाना 10 मिनट में आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, ऐसे कार्यक्रम हमारे साथ। कोई भूखा नहीं सोएगा यात्रा के अंदर। जो भूखे रह लिए रह लिए, अगर राजा बनना है तो राजा जैसी सोच पैदा करनी होगी। वो हमको पीछे चलता आया, फिर आगे क्या हुआ, उनकी फिस हो गई, अरे हवा फिस हो गई। लेकिन कांशीराम विचार यात्रा ने शपथ लिया है, जब तक भैम जी को उसी कुर्सी पे नहीं पहुंचा देंगे, हम वापिस अपने घर पे लौट के नहीं जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोहरे में हम किसी के पीछे चल देते हैं और पीछे चलने के बाद वो आदमी अपने घर में घुस जाता है, हम बाहर खड़े रह जाते हैं। ऐसे ही जयप्रकाश घूमता घूमता पीछे लाता 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 बीएसपी में घुस जाएगा और वो बाहर खड़ा हुआ देखता रह जाएगा। मेरा आपसे उससे निवेदन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो मूवमेंट को तोड़ने का प्रयास करेगा वो हमारे समाज का कभी भी नहीं हो सकता है। सम्मानित साथियों, आओ बीएसपी को बताओ, बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, कोई बात हार्ड निकल गई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। 1-1 मिनट में हमारे साथी अपनी बात कहेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात